के टॉप 10। पहले तो भाई सारे के सारे शुगर स्टॉक्स, इसीलिए क्योंकि वो जो लास्ट ईयर का बैन था वो सरकार ने रिवर्स कर दिया है। शुगर केन जूस, शुगर सिरप्स का इस्तेमाल इथेनॉल प्रोडक्शन में कर पाएंगी ये कंपनीज, बढ़िया खबर है। टाटा मोटर्स इसीलिए क्योंकि वो जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट यानी कि DVR शेयर्स थे आज से सस्पेंडेड हैं, ट्रेडिंग अब नहीं होगी, अब आपको DVR शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स मिल जाएंगे। दो QIPs कल शाम को खुले हैं, प्रेस्टीज एस्टेट जुटाना चाहता है 5000 और मैक्स एस्टेट 800 करोड़। लार्ज ट्रेड्स, पहले स्टैक दिखाता हूं जो सिलेबस वाले थे, जो आवाज ने फ्लैग ऑफ सुबह ही कर दिए थे। PB फिनटेक में वैसे ही टेंसेंट ने माल छोड़ा, वेल्सपन लिविंग में प्रमोटर्स ने माल छोड़ा, इंटरग्लोब में राकेश गंगवाल साहब और उनके परिवार ने माल छोड़ा। जो आउट ऑफ सिलेबस थे अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अंबर इंटरप्राइजेस में कल स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने खरीदारी करी, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में SBI MF ने खरीदारी करी, इंडिया सीमेंट्स में कोटक MF ने बिकवाली करी कल, और जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स में कल थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने अच्छा खासा चंक खरीदा। स्पाइसजेट एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइन को इनहेंस्ड सर्विलेंस पे डाल दिया है, दिक्कतें बढ़ रही हैं इसीलिए रडार पर रखिए। GST डिमांड नोटिसेस दो आए हैं, पर इस वक्त वैसे रिएक्ट नहीं करते, कंटेस्ट करती हैं कंपनीज। LIC को 605 करोड़ का, शिपिंग कॉर्पोरेशन को 160 करोड़ रुपए का। कुछ स्टॉक्स से न्यूज का स्टैक दिखाता हूं। ITI को ऑर्डर मिला तो जेकॉब का बायबैक 400 रुपए पे टेंडर रूट के जरिए, तो NLC इंडिया ने करार करा। आज वो जो हाल में लिस्ट हुई थी ब्रेन बीज यानी कि फर्स्ट क्राई, उसके नतीजे आएंगे जून तिमाही के। और फाइनली जो ब्रोकरेज के रडार पे था, जिस पे अपन ने चर्चा भी करी शो के दौरान, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ल्यूपिन और भारती हेक्साकॉम पे ब्रोकरेजेस बुलिश। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स एंड न्यूज आज स्क्रीन पर रखने के लिए। विद प्राइस सेशन अब आते हैं आपकी निफ्टी की फ्री ट्रैजेक्टरी पर, और हम 25,249 पे नए उच्चतम स्तरों पर, रिकॉर्ड हाइस पे खुलेंगे। समृद्धि के सूचकांक की ये नई ऊंचाई, आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। अनुज 97 अंकों पर, लेवल्स टू वॉच फॉर निफ्टी। निफ्टी बैंक मैं देख रहा था आज थोड़ा सा HDFC बैंक अलग ही अंदाज में था। फिर आज HDFC बैंक में वो MSCI का जो इंक्लूजन है उसकी वजह से ये इस तरीके का आपको अपटिक दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये कहाँ पर सेटल होता है, क्योंकि 1% ऊपर खुल रहा है। निफ्टी पर आते हैं, पहला रेजिस्टेंस 25,272 से 25,340 पर रहेगा, जहाँ पर वीरू वीकली कॉल ऑप्शंस राइटर्स बैठे हैं, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस 25,500 पर मंथली कॉल बेस है, सपोर्ट 25,040 से 25,100 वीकली कॉल्स का बेस और वीकली पुट्स का बेस, ये कॉल्स नहीं है, पुट होना चाहिए था, और बड़ा सपोर्ट है 24,800 से 24,850, जहाँ पर निफ्टी ने अब नया बेस बना लिया है। तो 24,950 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में लॉन्ग बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंग का जोन होगा 25,000 से 25,100, उसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं 24,900 का। बैंक निफ्टी अब तक तो खैर दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी में, मतलब इन अ सेंस कि बॉटम तो बना लिया लेकिन चलने को तैयार नहीं है। अब आज HDFC बैंक की वजह से क्या चलने को तैयार होगा बैंक निफ्टी, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी मेरा ये मानना है कि आप इंटरडे ही ट्रेड्स लें, पोजिशनल कम्फर्ट अभी भी बैंक निफ्टी में नहीं है, वो निफ्टी में ज़्यादा है कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन HDFC बैंक, एक बार HDFC बैंक वापस लेकर आइए, क्योंकि क्या ये आज थोड़ा सा समीकरण चेंज करेगा बैंक निफ्टी के? 1% ऊपर खुल रहा है करीब करीब, 1% अगर HDFC बैंक ऊपर खुलता है तो सीधा का सीधा 150 पॉइंट बैंक निफ्टी पर डालता है। हर 1% पे बैंक HDFC बैंक के करीब करीब 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करता है, तो उस हिसाब से देखना होगा कि क्या करेगा। लेकिन शुरुआत तो हो रही है फिर से एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पर। वीरू बिल्कुल HDFC। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।